नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी बसपाई फिर भाजपाई रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी साइकिल पर बैठाकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव खुश तो बहुत हो रहे होंगे, लेकिन इस बात की शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं रही होगी कि पलटवार में माहिर बीजेपी सीधे उनके घर में सेंध लगा देगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी का झंडा थाम रही ये वही अपर्णा यादव हैं जिनकी पहचान ही है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के रूप में। लेकिन अब वो मुलायम की पार्टी सपा में नहीं, भगवादारी पार्टी बीजेपी के पाले में चली गई हैं और उनके बीजेपी में जाने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट। कभी कांग्रेस का गढ़ रही राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट पर 1991 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। इस दौरान सिर्फ एक बार साल 2012 में ये सीट कांग्रेस के पास गई थी, जब तत्कालीन कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसी सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उतार दिया, जहां उनका मुकाबला मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से हुआ था, जिन्हें सपा ने मैदान में उतारा था। लेकिन कद्दावर महिला नेता रीता बहुगुणा जोशी के आगे वो नहीं टिक पाई और चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से मुंह नहीं फेरा और लगातार इस क्षेत्र में काम करती रही। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बार लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार से किसी को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है। लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलता देखकर अपर्णा यादव ने अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट का भी दौरा किया था, लेकिन उन्हें शायद लखनऊ कैंट की सीट ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगी, जहां से टिकट हासिल करने के लिए ही शायद अपर्णा ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने में भी जरा भी संकोच नहीं किया। लेकिन बीजेपी के लिए भी अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट देना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी में ही पहले से कई दावेदार बताए जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से 2012 और 2017 लगातार दो बार विधायक रह चुकी हैं और अब वो इसी सीट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। इसके लिए वो राजनीतिक संन्यास भी लेने को तैयार हैं। दिनेश शर्मा। खबर है कि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लखनऊ कैंट से टिकट के लिए दावेदारी ठोंक चुके हैं। वो लखनऊ से मेयर भी रह चुके हैं और ब्राह्मण नेता भी हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण बहुल सीट पर उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। संयुक्ता भाटिया। लखनऊ की मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया भी अपनी बहू रेशु भाटिया के लिए लखनऊ कैंट की सीट से टिकट चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार से लेकर संघ के बड़े अधिकारियों तक से संपर्क तेज कर दिया है। महेंद्र सिंह। योगी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह वैसे तो राजा भैया के इलाके प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन उनके बारे में भी चर्चाएं हैं कि उन्हें ब्राह्मण बहुल वोट वाले लखनऊ कैंट से ही टिकट चाहिए। सुरेश तिवारी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से पहले तक सुरेश तिवारी लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के लिए नंबर वन दावेदार माने जा रहे थे, क्योंकि वो इस सीट से लगातार तीन बार विधायक भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2019 में रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने एक बार फिर सुरेश तिवारी पर भरोसा जताया और वो भी बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए चौथी बार इस सीट पर कब्जा जमा लिया। इन बड़े नामों के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा, लालकुआं वार्ड से पार्षद सुशील तिवारी पम्मी, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नाम भी लखनऊ कैंट से टिकट के लिए दावेदारों की लिस्ट में देखा जा रहा है। लेकिन अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि इन तमाम दावेदारों का दिल टूटना तय है, क्योंकि अपर्णा यादव अगर बीजेपी में आई हैं तो लखनऊ कैंट सीट से उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लखनऊ कैंट पर क्या है जातीय गणित? रीता बहुगुणा जोशी, दिनेश शर्मा, सुरेश तिवारी जैसे ब्राह्मण नेताओं की दावेदारी के बीच लखनऊ कैंट सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सीट पर करीब 1,00,000 ब्राह्मण वोटर हैं। दूसरे नंबर पर सिंधी पंजाबी वोटर हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 65,000 है।
वहीं मुस्लिम आबादी करीब 25,000 है। यादव जात के करीब 20,000 वोट और ठाकुर जात के करीब 15,000 वोट यहाँ पर हैं। इसीलिए ज्यादातर ब्राह्मण नेता लखनऊ कैंट से ही टिकट मांग रहे हैं, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 61,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही अपर्णा यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब देखना यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली इस लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। बहरहाल इसी लखनऊ में नवंबर के महीने में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वह एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बाल माता नहीं होने देंगे और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत मजहब संप्रदाय उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुंभ ऐसा होना चाहिए जो अब तक का सबसे अच्छा हो और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं लगभग 13,000-14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके गए, उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुझे बस्ती जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां मेडिकल कॉलेज बना, लोगों ने अलग अलग नाम रखे। मैंने कहा भी देखो इस सब नाम से कोई फायदा नहीं है, बस्ती की पहचान महर्षि वशिष्ठ से है, यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ही होगा। देवरिया में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया, इसी सत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है पिछले महीने 25 तारीख को। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए, मैंने कहा भी देखो देवरिया ही है महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर,
और पूज्य देवराह बाबा के नाम पर यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। जहां से इस धर्म और संस्कृति को ताकत मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है, उन सबको आदर्श मानकर के हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मानकर के इन महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए।